तुलसी को जो स्थान प्राप्त है वो अन्य किसी वनस्पति को उसके समतुल्य प्राप्त नहीं है। जो अमृत गुण मेरे ब्रह्म ऋषि ने तुलसी में कहे वो किसी में भी उतनी मात्रा में नहीं है। संभवतः इसीलिए तुलसी हमारे आंगन के बीच आकर के अवस्थित हो गई, प्रतिष्ठित हो गई। आज आंगन भले नहीं है, घरों के स्वरूप बदल गए हैं, पर जहां जितनी क्षमता होती है वहां बालकनी में कहीं भी लगाने की चेष्टा करते हैं। नहीं भी लगती बार बार, कई बार तुलसी मर जाती है तो फिर भी चेष्टाएं करते रहते हैं कि तुलसी लग जाए घर में एक बार। लगती भी है, वनस्पति के कारण आती भी है, मरती भी है, फिर लगाते हैं, तो उसमें कोई भ्रम वहम नहीं करते और चेष्टा करते हैं सनातन पद्धति के अंतर्गत कि तुलसी का सानिध्य हमें प्राप्त हो, ना केवल उसके वनस्पति गुणों के कारण जो कि शरीर और मन के लिए अतुलनीय है, अपितु जो भाव तरंगे उस वनस्पति के आसपास जो उसका प्राण है उस प्राण के कारण भी उसको साथ जुटा के रखते हैं। अगर वनस्पतियों में पदार्थ रूप तुलसी है तो वही तुलसी अपने सूक्ष्म स्वरूप में गायत्री है। अर्थात मैंने तुलसी का भाव कहा, जो कुछ वनस्पतियों में तुलसी को प्राप्त है वही भाव स्तर पर गायत्री को प्राप्त है। हालांकि पदार्थ से भाव तो बहुत बड़ा होता है, पदार्थ भाव के अधीन है। केवल समझाने की दृष्टि से तुलसी का इतना उदाहरण दिया, मर्म यही कहने का है कि जिस प्रकार वनस्पतियों में उसकी कोई तुलना नहीं उसी प्रकार भाव स्तर पर भी गायत्री की कोई तुलना नहीं। इसीलिए गायत्री की प्रतिष्ठा हेतु हम इस गायत्री को अपने साथ रखते हैं। ये और कुछ नहीं, ये क्या है जिसे आप धागा मानते हैं, ये धागा जिसे यज्ञोपवीत जानते हो, ये यज्ञोपवीत का धागा क्या है? ये गायत्री है बाबू। नहीं, ये तो धागा है, कभी जब कभी पहनते हैं, जब कभी कोई यज्ञ होता है, कोई शादी ब्याह इत्यादि। ये गायत्री है, धागा है तो। अरे ये गायत्री है, धागा नहीं है, गायत्री है। कैसे गायत्री है? तुमने कभी जाना ही नहीं, तुमने रुचि दिखाई नहीं, तुमने इसको केवल कभी ना कभी कर्मकांड इत्यादि जिसे रिचुअलिस्टिक कहते हैं, रिचुअलिस्टिक मान करके और दरकिनार कर दिया। नहीं, ये गायत्री है। अगर सनातन पद्धति में जन्म लिया है ना तो इसका भी स्वरूप जानना चाहिए। पहनना तो मैं तुम पर छोड़ता हूं, वो तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम पहनो को ना पहनो, फिर कहोगे नहीं साहब आप तो हमें दबाव बात कर रहे हैं। दबाव की बात नहीं है, मैं तो एक मर्म समझा रहा हूं, दबाव नहीं है ये, वो तो आपकी इच्छा है, आप पहनो ना पहनो, पर जान तो लो ये है क्या। ये धागा और कुछ नहीं, ये गायत्री की प्रतिमा है। प्रतिमाएं तो पत्थर की होती है। नो 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 नो,
प्रतिमाएं भावनाओं से बनाई जाती हैं, वो पत्थर में भी बन सकती हैं, दीवार पर रंग से बनाई जा सकती हैं, और ये फैब्रिक की प्रतिमा, फैब्रिक फाइबर कह लो, धागे की प्रतिमा है। प्रतिमाएं तो अब जिसकी चाहो बना लो, आटे की बना लो, मिट्टी की बना लो, पत्थर की बना लो, रंग की बना लो, और ये कहा है कि ये धागे की प्रतिमा है। इसमें उसका वो नाक मुंह आंख कान मन ढूंढो, इसमें ढूंढना है तो गायत्री के मर्म को ढूंढो, इसमें ढूंढना है तो ओम को ढूंढो, ढूंढना है तो भूर भुव स्वह को ढूंढो, तत् सवितुर वरेण्यम को ढूंढो, भर्गो देवस्य धीमहि को ढूंढो, दियो योनः प्रचोदयात को ढूंढो। उनको ढूंढो ना, जब उनको ढूंढने निकलोगे तो पता लगेगा कि नहीं, ये तो गायत्री की ही प्रतिमा है। हाँ, और गायत्री से ऊपर है कुछ नहीं है। उन 24 महासूक्ष्म तरंगे जिनकी उत्पत्ति ये पूरा ब्रह्मांड है, उनकी प्रतिमा है ही उन 24 सूक्ष्म तरंगों की, ओम सहित ये यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, जनेऊ जिसे कहते हैं, जो भी आप क्या नाम होगा उसका, अब आप समझ गए, उसकी प्रतिमा है। इसको छाती से लगा के रखते, इसको छाती से लगा के रखते हैं, इसको कंधे पर जिम्मेवारी समझ करके उड़ते हैं, अपने कंधों में जिम्मेवारी संभालो, कंधों पर एक दायित्व है, ये इसे छाती से लगा के रखा गया, ये गायत्री है। मैं उत्सुकता छोड़ रहा हूं, ये तो चैनल पर उसकी एक वीडियो भी है यज्ञोपवीत की, पर उत्सुकता छोड़ रहा हूं।